हेलो दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम पर काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, कई सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो न्यू हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर पैसा किस तरीके से मिलता है और कितने फॉलोअर होने चाहिए इसके बाद इंस्टाग्राम पर पैसा मिलना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, मैं आपको बहुत सही और सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर पैसा मिलता किस तरीके से है? दोस्तों, जिस तरीके से यूट्यूब पर आप देखते होंगे, वहां पर एड का पैसा अलग से मिलता है, स्पॉन्सरशिप का पैसा अलग से मिलता है, स्टोरी पोस्ट का अलग से मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो इंस्टाग्राम है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है यूट्यूब से। डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होता, यानी यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन होता है और इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब आपको इंस्टाग्राम पर एड का पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जो पैसा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप का मिलता है, ठीक है? स्पॉन्सरशिप का आपको पैसा मिलता है, चाहे वो रील्स के लिए स्पॉन्सरशिप करे आपको कोई, या स्टोरी पोस्ट के लिए, या किसी अदर पोस्ट के लिए, ठीक है? यानी आपको जो इंस्टाग्राम पर पैसा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप से मिलता है। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टाग्राम पर आपके कितने फॉलोअर्स होने चाहिए जिसके बाद से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, मान के चलिए कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप करेगी, ठीक है, आपको पैसा देगी, तो कुछ चीजें तो वो देखेगी ही कि इसकी जो रील है उस पर कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक कमेंट आते हैं, और दोस्तों आप उसके जिस आईडी पर कितने फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 10,000 फॉलोअर हो जाने के बाद में आपको सही स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है, ठीक है? 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? वो उसका पैसा कोई फिक्स नहीं रहता। अगर आपको कुछ ज्यादा कंपनियां स्पॉन्सरशिप करेंगी तो आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, और कुछ कम कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी तो वो पैसा आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों, लगभग 10,000 फॉलोअर्स आपके होने चाहिए, और जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपको जो स्पॉन्सरशिप है वो ज्यादा मिलती चली जाएंगी और आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट होता चला जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए आपको बता दूं, एक गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने जो इंस्टाग्राम की आईडी है वहां पर आपको एक मेल आईडी जरूर डालनी है जिससे आपको कोई भी कंपनी जो आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहती है वो आपसे संपर्क कर पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।